Happy and proud of, very happy for my dear friends, the Meet Bros, and the entire team, and really proud of how they have just, you know, achieved this dream so beautifully and so passionately. Songs are lovely, and I think it's a great platform for all, I mean, established singers and upcoming singers. I too am looking forward to doing a wonderful song with them, and I think today I'm so excited about Thare Rahiyo because I love that genre of music, and I'm dying to see what they've done with that. But of course, every song, especially Main Jaan Diyan, Love Me, these are my favorites. You know, actually they're on my playlist all the time. So here's to MB Music, three cheers to MB Music, and to many more and many more lovely singles, and cheers to music. बहुत excited हैं, बहुत दिनों से wait कर रहे थे कि इस गाने को निकालें, कौन सा सही समय होगा निकालने के लिए. And पहली बार मैं एक राजस्थानी feel का गाना कर रही हूँ. I think ठाड़े रही हूँ एक बहुत ही folk और बहुत ही interesting गाना है, थोड़ा राजस्थान से influence करी है, वहीं shoot किया है. And I think बन्ना और बन्नी के डांस के लिए बहुत बढ़िया है, शादी के सीजन के लिए बहुत बढ़िया है. सो मस्त गाना है, एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा. यार बहुत अमेजिंग सॉन्ग है, मैं वीडियो देख चुका हूँ ऑलरेडी. सो आई एम द प्रिविलेज्ड वन जिन्होंने पहले देख लिया था, गाना सुन भी लिया था, एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट. और इन्होंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया है एमबी म्यूजिक, आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड दैट, बिकॉज अब उस पर और कमाल के गाने भी आने वाले हैं. सो इनफैक्ट मैं अपने सारे दोस्तों को, सारे फैंस को, सारे चाहने वाले को बोल रहा हूँ कि इनका जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो. हम तीनों को पंजाबी रूप में ही देखा था हमेशा, पंजाबी गाने और एक बहुत राजस्थानी जो एक फोक जो है वो एक बहुत कमाल का फोक है. हम सोचाते थे उस टाइप का एक गाना करें. और एक बार एक्चुअली बचपन में काफ़ी टाइम पहले एक कनिका की आवाज़ में गाना सुन लिया था, ये वो मारे हिवड़े में गाती थी, तो वो इतना अच्छा लगता था कि तब से हम उसके पीछे पड़े थे कि पंजाबी तो ठीक है, एक राजस्थानी करना है. तो वो माइंड में रख के फिर हमने ये गाना बनाया, तो थाड़े रही हो, तो वी वेरी हैप्पी कि आज वो रिलीज़ हो रहा है. हम लोग क्या तीन लोग हैं तो तिरंगा लहराना चाहते थे, और इसलिए राजस्थान के जो कलर्स हैं वो हमने इस वीडियो में लेके आए हैं. अपने लिरिक्स के अंदर, अपने कॉम्पोजिशन के अंदर, अपने वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो वीडियो पूरा हम लोगों ने ट्रक के ऊपर शूट करा है. पहली बार ऐसा मूविंग ट्रक के ऊपर एक वीडियो शूट हुआ है जिसमें जिसमें एक इंटरनेशनल, हम ऐसे लग रहा है कि एक फॉरेनर रस्टिक वे में राजस्थानी कल्चर के अंदर ढल के जो हमने शूट करा है उसमें कुछ नई चीज़ें हैं. ये सब नई चीज़ें हैं जो राजस्थान में पहली बार राजस्थानी ऐसा गाना आया है जो कि उसके अंदर जो बेस लाइन बज रही है, जो म्यूज़िक है वो बहुत इंटरनेशनल है, बट पूरा कॉम्पोजिशन फोक है. सो कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश है ताकि आप लोग ये ना कहें कि यार क्या वही तुम लोग ले आए पंजाबी. मीर ब्रदर्स मेरे बहुत ही एक्चुअली मैं इनको बहुत क्लोजली जानता हूँ और बहुत पहले से जानता हूँ. मेरे हिसाब से इतना अच्छा इंसान हो के इतना नव्स पे हाथ किसी का हो बहुत मैंने कम देखा है. नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, लेकिन ये मीत ब्रदर्स जो हैं ये इतने सीधे लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं, इतने मिलनसार लोग हैं, उसके बावजूद इनका काम पे जो मैं इस बावजूद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लोग नॉर्मली बड़े श्रूड होते हैं उसके बाद में मैनिपुलेटिव, उसका नव्स पे पल्स पे हाथ होता है. ये बड़े सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, और इनका जो पल्स पे जो उनकी हाथ है, उंगली है, वो बहुत कमाल की है. एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम फॉर वे दे हैव ब्रॉट देमसेल्व्स. पहले एक्टर्स थे और अब ये एक मतलब फुल फ्लेज्ड जैसे कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है म्यूजिक की, एंड आई एम वेरी हैप्पी. Thank you.